हेलो, दिस इज राहुल शर्मा। वेलकम टू द स्टडी गन। आज हम देखेंगे 23 मई 2021 के करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और शेयर भी करें और हमारा सपोर्ट करें। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है द स्टडी गन। आप इस पीडीएफ पे जाकर क्लिक करके आप यहाँ ऐड हो सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक का पेज है द स्टडी कैम के नाम से, आप यहाँ भी ऐड हो सकते हो। और ये हमारा टेलीग्राम, ये यूट्यूब का चैनल है जहाँ पर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक में हमारा क्या है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो वो है 22 मई को, ठीक है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। और इसका जो थीम है, थीम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थीम क्या है, वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन एंड फॉर नेचर, ठीक है, ये इसका थीम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो, हाल ही में चीन द्वारा किसके सहयोग से ताइवान और सुदापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर है रूस के सहयोग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू की है? तो वो इसका आंसर सही है IDBI बैंक ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं, हाल ही में कौन सी कंपनी भारत केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम का निर्माण कर रही है? तो इसका सही आंसर है सी नंबर, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर पाँच देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हुआ, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर है पर्यावरणविद थे, ठीक है, इन्होंने पेड़ को बचाया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। बी इसका सही आंसर है पांच का। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, हाल ही में FIH एथलीट समिति के सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर बी छः का, बी पी आर श्रीजेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 महामारी को अनाथ बच्चों को 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है? यह है पंजाब सरकार। अच्छा, पंजाब सरकार, पंजाब का जो CM है वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठ, हाल ही में जारी अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका सही आंसर हो गया अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, हाल ही में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो गया भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हाल ही में किसकी आत्मकथा सच कहूँ तो क्या विमोचन, सच कहूँ तो ये है बुक का नाम, सच कहूँ तो, ठीक है, का विमोचन किया जाएगा? तो किसका आत्मकथा है? मीना गुप्ता का बायोग्राफी है, ठीक है, मीना गुप्ता ने अपने ही बारे में लिखा है, ठीक है, आत्मकथा नहीं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इसको, ये खुद ही लिखी है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इसको आत्मकथा कहते हैं, बायोग्राफी के दूसरे के द्वारा लिखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया है? वो कौन है? सी इसका आंसर महाराष्ट्र का।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश में सैन्य सहयोग के साथ साथ समुद्री मदद पर समझौता ज्ञापनों का नवीनीकरण किया है? इसका सही आंसर है ओमान। ठीक है, ओमान आप देख रहे हो मैथ में। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने COVID-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है? ये कुछ दिन ही पढ़े थे एंटीबॉडी डिटेक्शन किट, इसका नाम क्या था? कोविशील्ड। ठीक है, कौन लॉन्च किया था? डीआरडीओ ने लॉन्च किया। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कितने एम्स की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो इसका सही आंसर है 22, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश ने तेज गेंदबाज वायस रैंकिन ने संन्यास की घोषणा की है? इसका सही आंसर है आयरलैंड। ठीक है, आयरलैंड का प्लेयर थे वायस रैंकिन। तो आज का इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। हैव अ गुड डे।